हेलो गाइज एक्चुअली इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिकल में टू मॉड्यूल का बॉक्स कहाँ कहाँ पे यूज होता है ठीक है वैसे तो टू मॉड्यूल का बॉक्स तो बहुत सारे जगहों पे यूज होता है बट मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो पंद्रह जगह जहाँ पे टू मॉड्यूल बॉक्स यूज होता है ठीक है फिफ्टीन प्लेसेज जहाँ पे आप टू मॉड्यूल बॉक्स यूज कर सकते हैं ये बातें 90 परसेंट इलेक्ट्रिशियंस को नहीं पता है कि वो कौन सी पंद्रह जगह है अगर आपको यकीन नहीं है तो आप वीडियो को आखिर तक देखें और वो पंद्रह जगह जहाँ जहाँ पे ये टू मॉडल बॉक्स यूज होता है आप लिख लें और जाके किसी से भी आप पूछें आपको पता चल जाएगा ठीक है तो चलिए बताते हैं कि आखिर ये पंद्रह जगह कौन कौन सी है जहाँ पे आप टू मॉडूल बॉक्स यूज कर सकते हैं सबसे पहला स्विच बोर्ड स्विच बोर्ड में जहां द वे मान लीजिए कि अगर दो स्विच आ रहा है या एक स्विच आ रहा है या एक सॉकेट आ रहा है तो वहां उस लेवल पे आप टू मॉड्यूल का बॉक्स यूज कर सकते हैं ठीक है दूसरा बेल पॉइंट तो बेल पॉइंट में तो आपको मालूम ही है एक बेल का स्विच आता है वहां पे आप टू मॉड्यूल बॉक्स यूज कर सकते हैं बहुत लोग तो क्या करते हैं कि बेल में इंडिकेटर भी लगा देते हैं वहां पे वैसे लेकिन ये बढ़िया नहीं लगता है आप सिर्फ बेल का स्विच ही यूज करें सिंगल वन वे तो वहाँ पर भी टू मॉडल का बॉक्स यूज होता है उसके बाद फुट लेम्प फुट लेम्प में भी टू मॉडल का बॉक्स यूज होता है जैसे फुट लेम्प बोले तो जैसे आप एक इसका हाइट होता है एफ एफ एल से वन फीट या नाइन इंच ठीक है तो वहाँ पे आप टू मॉडल का बॉक्स यूज कर सकते हैं वैसे तो फुट लेम्प में तो बहुत सारे बॉक्स यूज होते हैं बट तो आज का टॉपिक है मेरा टू मॉडूल बॉक्स तो मैं इसी के बारे में आज बताऊँगा ठीक है उसके बाद आप ए, ए के लिए भी टू मॉड्यूल का बॉक्स यूज कर सकते हैं जैसे ए में कंट्रोल कंट्रोल के जगह पर भी टू मॉड्यूल का बॉक्स यूज होता है यानी कि स्विच बोर्ड से हटा के सेपरेट एसी का स्विच दिया जाता है तो वहाँ पर भी यूज किया जा सकता है लेकिन बहुत जगह ठीक है और उसके बाद स्प्लिट यूनिट जैसे इंडोर है वहाँ पे भी टू मॉड्यूल का बॉक्स यूज किया जाता है ठीक है तो ये हो गया और उसके बाद आप टू मॉड्यूल का बॉक्स यूज़ करेंगे गीजर पे गीजर के लिए क्योंकि उसका कंट्रोल तो जैसे टॉयलेट में जैसे स्विच बोर्ड के लेवल हाइट पर आता है और गीज़र लगता है ऊपर तो वहाँ पे टू मॉड्यूल का बॉक्स लगाया जाता है क्योंकि कंट्रोल नीचे है ना और एग्जॉस्ट फैन के लिए भी टू मॉडल का बॉक्स यूज होता है जैसे एग्जॉस्ट फैन हो गया कहने का मतलब यह है कि बहुत जगह तो ये भी ही लगा दिया जाता है और उसमें सीलिंग रोज लगा के एग्जॉस्ट फैन का कनेक्शन किया जाता है लेकिन कुछ जगहों पर मैंने यूज़ किया है टू मॉडल का बॉक्स ठीक है टू मॉडल का बॉक्स वहाँ पे एक सॉकेट लगा दिया जाएगा और क्या बोलते हैं वहाँ से ईयर्सफेन का सप्लाई दे दिया जाएगा सप्लाई दे दे दिया जाता है और उसका कंट्रोल तो स्विच बोर्ड जो टॉयलेट के जो स्विच बोर्ड होता है स्विच बोर्ड वहाँ पे आता है ठीक है तो वहाँ पे भी आप एक एयर्स फैन के लिए भी टू मॉडल का बॉक्स यूज कर सकते हैं उसके बाद जैसे हो गया टीवी वी तो टी के पॉइंट पे आप सप्लाई के लिए तो अदर मॉडल का बॉक्स यूज होगा दूसरा बॉक्स यूज होगा बट टी के का केवल जो जहाँ पर आता है उसमें आप टू मॉडल का बॉक्स यूज कर सकते हैं होता है ठीक है और आप कर भी सकते हैं और दूसरा चीज़ है टेलीफोन टेलीफोन का भी जहाँ पे पॉइंट आएगा वहाँ पे भी आप टू मॉडल का बिग बॉक्स यूज कर सकते हैं उसके बाद जैसे इंटरनेट का भी कोई पॉइंट आ रहा है वहाँ पे आप टू मॉडल का बॉक्स यूज कर सकते हैं ठीक है और मैं आपको बता दूँ जैसे थोड़ा किचन एरिया मैं आपको बता दूँ किचन एरिया में जैसे किचन प्लेटफॉर्म के नीचे आता है हब का पॉइंट तो हब का पॉइंट पे भी आप टू मॉडल का बॉक्स यूज कर सकते हैं उसके बाद एक चिमनी का पॉइंट आता है किचन में उसमें भी आप टू मॉड्यूल का बॉक्स यूज कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों का कंट्रोल अलग जगह आता है इसीलिए टू मॉड्यूल का बॉक्स तो पे लगा कर वहाँ पर सिर्फ सॉकेट लगाया जाता है ठीक है मैं और ज़्यादा डिटेल इसके बारे में नहीं बताऊँगा क्योंकि टॉपिक है मेरा टू मॉड्यूल बॉक्स ठीक है तो हॉफ चिमनी हो गया उसके बाद आप डिश वॉशर डिश वॉशर अगर नीचे आ रहा है कहने का मतलब यह है कि हाइट उसका जैसे किचन प्लेटफॉर्म के नीचे भी डिश वॉशर का पॉइंट आता है और बहुत जगहों पे अदर प्लेस में भी जैसे डिश का पॉइंट आता है तो वहाँ पे आप टू मॉड्यूल का बॉक्स यूज कर सकते हैं ओके और मैं आपको बता दूँ जैसे एकुआ गार्ड के लिए भी आप टू मॉड्यूल का बॉक्स यूज कर सकते हैं ठीक है और फिर मैं आपको एक और बात बता दूं जैसे वी के लिए भी यूज होता है जैसे वीडियो डोर कैमरा यानी कि जो बेल का जो स्विच होता है ना मेन डोर के बाहर तो वहाँ पर उसी के बगल में एक और टू मॉडल का बॉक्स लगा दिया जाता है जो कि वीडियो डोर कैमरा के लिए यूज होता है ठीक है इसके बारे में डिटेल में बाद में बात किया जाएगा क्योंकि आज का टॉपिक है टू मॉडल बॉक्स ठीक है और उसके बाद जैसे हो गया ये डिस्कनेक्ट स्विच क्योंकि मैंने बहुत जगह खुद बहुत सारे कंपनियों में डिस्कनेक्ट स्विच लगाने के लिए भी टू मॉड्यूल का बॉक्स यूज हुआ था जैसे कहने का मतलब ये कि टू मॉड्यूल बॉक्स फिट हो गया उसके उस सरफेस पर इसमें होल करके डिस्कनेक्ट स्विच में या जैसे भी उसी पे कस दिया गया तो वहाँ पे भी आप डिस्कनेक्ट स्विच के जगह पर भी टू मॉड्यूल का बॉक्स यूज कर सकते हैं ये बहुत कम ऐसा जगह आता है जहाँ पे आप ये यूज करेंगे ठीक है और उसके बाद फाइनली मैं एक लास्ट आपको बता दूँ ये ऑप्शनल है पूल बॉक्स यानी पुल बॉक्स के लिए भी आप टू मॉड्यूल का बॉक्स यूज कर सकते हैं पूल बॉक्स बोले तो जैसे कहीं से क्या बोलते हैं वायर या केबल आ रहे हैं ठीक है जैसे कहने का मतलब मान लीजिए कि सपोज एच बी हो गया ठीक है तो एच में बहुत जगह बी एम एस बी एम एस का केबल आता है और सप्लाई भी आ रहा है ऊपर से कंट्रोल सेंसर वगैरह के भी आ रहे हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है कि जो ऊपर से केबल आ रहे हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है कि नीचे में एक वहाँ पे एक टू मॉड्यूल का बॉक्स लगा दिया जाता है ठीक है एडाप्टर वगैरह लगा के टू मॉड्यूल बॉक्स में केबल चला गया और उसके बाद वहाँ से ए, क्या बोलते हैं जीआई फ्लेक्सिबल लगा के यूनिट में एंट्री किया जाता है केबल का तो वहाँ पे भी टू मॉड्यूल का बॉक्स आप यूज कर सकते हैं और जैसे पाइपिंग में भी टू मॉड्यूल का बॉक्स बहुत जगह यूज हो जाता है जैसे आप पाइपिंग कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है कि ऊपर से दो तीन पाइप ऊपर से उतर रहे हैं ऊपर से मतलब बीम से बीम से तीन पाइप उतर रहे हैं और एक साइड से दो पाइप आ रहे हैं और एक साइड से एक पाइप आ रहे हैं तो, तो इस सिचुएशन में चार पाँच छः पाइप हो जाता है तो इस सिचुएशन में भी आप टू मॉडल का बॉक्स यूज कर सकते हैं वहाँ पे ये पूल बॉक्स का ही काम करेगा क्योंकि वहाँ पर जेबी लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाता है जेबी में उतना पाइप हट नहीं पाएगा ना तो ऐसे अकॉर्डिंग टू सिचुएसन भी बहुत सारे जगहों पर टू मॉडल का बॉक्स यूज किया जाता है ओके okay, तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें फिर मिलते हैं नेक्स्ट